फरीदाबाद के वार्ड नंबर 6 से पार्षद पद उम्मीदवार संतोष यादव द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें महाभारत टीवी सीरियल में द्रोणाचार्य का रोल निभाने वाले सुरेंद्र पाल मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। कार्यक्रम में मौजूद लोगों ने उम्मीदवार संतोष यादव को भारी संख्या में समर्थन दिया। वहीं कार्यक्रम में हरियाणवी गायक तन्नु मन्नू ने पर्वतिया कॉलोनी की जनता का खूब मन लुभाया। मुख्य अतिथि सुरेंद्र पाल ने संतोष यादव को गरीबों का मसीहा बताकर उन्हें भारत के अर्जुन के समान बताया। भारतीय प्रवासी परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय तिवारी ने कहा कि यदि नगर निगम चुनाव में 9 प्रत्याशी चुनाव जीतते हैं तो संतोष यादव को डिप्टी मेयर बनाया जाएगा। आज मैं यहाँ सम्मान लेने नहीं, सम्मान देने आया हूँ, और एक ऐसे शख्स के लिए आया हूँ जो गरीबों का मसीहा है और गरीबों के सुख दुख में जीने वाला है, उन्हीं के बीच में रहने वाला है, रहनुमा है उनका। और उस आदमी का नाम है संतोष यादव, जो साइकिल चुनाव चिन्ह से अपना ये पार्षद का इलेक्शन लड़ रहे हैं। और मैं जनता से ये कहने आया हूँ, मैं अपने सभी भाइयों और बहनों से कहने आया हूँ, क्योंकि जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि मैं हरियाणा में रहता हूँ, गुड़गांव में मेरा घर है, और गुड़गांव की धरती पर जो भी अच्छा या बुरा होगा उसमें हर आदमी को भागीदार होना चाहिए। और मैं संतोष को भारी बहुमत से जीत की आशा करता हूं जनता से, और उसे भारी से भारी बहुमत से जिताएं। वैसे तो वो जीता हुआ कैंडिडेट है, मुझे उसके बारे में ज़्यादा कुछ भी नहीं कहना है, लेकिन मैं ये देखने आया हूं कि वो कितने भारी बहुमतों से जीतेगा। और मेरे लिए तो मेरे अर्जुन के समान है, द्रोणाचार्य के अर्जुन के समान है, और इसे विजयी भव का आशीर्वाद देते हुए फरीदाबाद में बहुत सारी समस्याएं हैं, यहाँ के जो अपने वार्ड की हैं छोटी छोटी समस्याएं हैं, और अगर संतोष यादव चुनकर आ गया, गरीबों का जो उनके सुख दुख में रहने वाला आदमी है, तो यहाँ की जो समस्याएं सदा सदा के लिए ख़त्म हो जाएंगी। और मैं एक चीज़ और कहना चाहता हूँ कि संतोष यादव झूठा व्यक्ति नहीं है, एक सच्चा व्यक्ति है जो अपनी सच्ची इमेज पे वो यहाँ पर जनता की सेवा करने के लिए आया है। हम उसको थोड़ी सी प्रोत्साहन देने आए हैं, थोड़ा सा उसको आगे बढ़ाने के लिए आए हैं, और आचार्य द्रोण तो जो मैं मालूम है आशीर्वाद ही दे के जाएंगे। ऐसा मुझे बड़ी खुशी हो रही है, आज निष्पक्ष भाव से जनता मेरी मदद कर रही है। मैं वार्ड नंबर 6 का प्रत्याशी हूँ, मेरा चुनाव निशान साइकिल है, साइकिल है, साइकिल है। मेरा नाम संतोष यादव है और गरीब जनता मेरा तन मन धन से मेरे साथ है इस समय। और जब चुनाव प्रचार को सोशल मीडिया पे जब हमारे गुरु द्रोणाचार्य जी, जो महाभारत के सुरेंद्र पाल जी हैं, हमारे संदेश यादव जी हैं, भारतीय प्रवासी परिषद राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय तिवारी जी हैं, और पूरी पूर्वांचल छठ पूजा सेवा समिति, व्यापार मंडल, वैश्य समाज और सभी 36 बिरादरी ने जब इन्होंने देखा कि भाई इतना समर्थन वार्ड का और क्षेत्र का आ रहा है, उनसे रहा नहीं गया और उन्होंने मेरे लिए बोला कि संतोष जी, मैं आपका परम मित्र हूँ और मैं आपको बहुत चाहता हूँ, क्योंकि मुझे भारत गौरव अवार्ड से पिछले साल नवाजा गया था, तो मेरी मदद करने के लिए गुरु द्रोणाचार्य जी मैदान में आए और मेरे लिए वोट मांग रहे हैं। मैं बता देता हूँ कि मैं नगर निगम का चुनाव जीतने के बाद एक रुपया भी अपने खाते में नहीं लूँगा, जो भी पैसा मेरे खाते में आएगा वो सारा समाज के भी तो संगठन बना के उन्हें दिया जाएगा, और पूरे कमेटी के हिसाब से, गली मोहल्ले के हिसाब से क्षेत्र का काम किया जाएगा। जल निकासी और मीठे पानी का सबसे बड़ा मुद्दा है, और यहाँ पर गली मोहल्ले में छठ घाट बनाना, पार्क बनाना, सामुदायिक भवन बनाना, सीवर लाइन, सड़क, विधवा पेंशन, बुढ़ापा पेंशन, लाडली, ऐसी बहुत सी योजनाएं हैं, रोजगार, बेरोजगारों के लिए रोजगार दिलवाना, ऐसी बहुत सी योजनाएं जिसके लिए मैं यहाँ बनकर अपना काम करूँगा मैं, और इसके लिए पूरे सभी का आशीर्वाद मिल रही है। मैं बड़ा खुश हुआ, मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि आज जनता का जो समर्थन है निस्वार्थ भाव से मुझे मिल रहा है, और मैं इसके लिए अपने गुरु द्रोणाचार्य जी, सुरेंद्र पाल जी, संदेश यादव जी और अपनी पूरी टीम और पूरी जनता, माता, महिलाओं, बच्चों का मैं बहुत तहे दिल से धन्यवाद करता हूं, और सबसे अपील करता हूं कि वो तहे दिल से और साइकिल के चुनाव पर आने वाली 8 तारीख को मेरा जो 12 नंबर है उस पर अधिक से अधिक मतों से मुझे विजयी बनाए। ये कार्यक्रम संतोष यादव का कार्यक्रम, इस वार्ड नंबर 6 के प्रत्येक जनता का कार्यक्रम, इस क्षेत्र के प्रत्येक माताएं, बहनें, माँ बाप का कार्यक्रम है, जो आज सारा वार्ड नंबर 6 साइकिल के चुनाव निशान को अपना निशान मानते हुए संतोष यादव के लिए इस पंडाल में उमड़ पड़ा है। मैं सौभाग्यशाली हूँ
अपने भारतीय प्रवासी परिषद के राष्ट्रीय महासचिव संदेश यादव जी ने जो आदरणीय सुरेंद्र पाल जी को जो द्रोणाचार्य महाभारत की टीवी में थे और यहाँ भी इन्होंने द्रोणाचार्य का रूप निभाकर संतोष यादव को अपना अर्जुन मानते हुए आज ही विजय की घोषणा कर दी और जनता से कहा कि अच्छे आदमी को जिताओ, अच्छी नीयत को जाओ। संतोष यादव ही नहीं आदरणीय भारतीय प्रत्याशी परिषद के 9 कैंडिडेट फरीदाबाद में चुनाव लड़ रहे हैं, वार्ड नंबर 26, वार्ड नंबर 6, वार्ड नंबर 33, वार्ड नंबर 2, वार्ड नंबर 24, ये सारी जगह से हम 5 सीट अगर जीत गए तो डिप्टी मेयर मेरा संतोष यादव ही होगा।